अब जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, उन्हें कहा जाता है स्मार्ट वैल्यू का पारस पत्थर। पारस पत्थर जानते हैं पारस पत्थर क्या है? जिसको छू दे वो सोना बन जाती है। तो उन्हें स्मार्ट वैल्यू का पारस पत्थर कहा जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्हें यहां पर मंच पर आमंत्रित करने का मौका मिला। उन्हें आमंत्रित करने के पहले मैं जरूर दो लाइन बोलना चाहूंगा। गणपति की पूजा करो या तुम पूजो राम, सूरज शर्मा के बिना सफल न कोई काम। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर सूरज शर्मा। प्लीज You're my lover, you're my Romeo. Watch me glow now. Thank you very much, thank you. Good morning, leaders. I say good morning, leaders. I say good morning. Good. चलिए सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने स्पेशली पार्था दा यहां कलकत्ता के पूरे सीनियर लीडर्स जिनकी वजह से यहां पर आने का मौका मिला। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो यहां पर आने का मौका पहले भी मिला था, आज से लगभग 3.5 साल पहले भी मैं यहां पर आया था। बट फर्क इतना है कि उस दिन ट्रेनिंग लेने के लिए आया था, बहुत सुना था कलकत्ता में बहुत अच्छा बिजनेस होता है, कलकत्ता के अंदर ये होता है, कलकत्ता में ऐसा है, कलकत्ता में वैसा है। हम सोचते थे दिल्ली में हमारी ऐसा कब होगा। ट्रेनिंग लेने के लिए आया था, तब मैं सिल्वर था लगभग 3.5 साल पहले, और आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं कि इतने सारे साथियों के सामने उसी जगह पर आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। एज ए गेस्ट मुझे यहां पर बुलाया गया और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। और आपसे ज्यादा जो मोटिवेशन है, हजारों गुना ज्यादा मोटिवेशन मेरा हो रहा है। हो सकता है कि आज यहां पर बहुत कलकत्ता की टीम बैठी हुई है, मुझे विश्वास है कि यहां की ट्रेनिंग लेने के बाद और ट्रेनिंग देने के बाद मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली 1000 times ग्रो हो जाएगा। ये मेरा फर्मली बिलीव है, क्योंकि जो कुछ भी डिपेंड करता है इंसान का, वो डिपेंड करता है उसके इंटरनल बिलीव के ऊपर, इंटरनल मोटिवेशन के ऊपर। क्योंकि कोई भी दवाई जो असर करती है वो उसी इंसान के ऊपर असर करती है जिसमें थोड़ी सांस चल रही होती है। डेकाडोन का इंजेक्शन जितना दे लीजिए एक मुर्दे इंसान के लिए वो कारगर नहीं होगा। आप एक इंसान जिसमें सांस खत्म हो चुकी है, जिसकी जो ब्लड है वो स्पीड बिल्कुल रुक चुकी है, जिसकी बॉडी में कोई भी एक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, उस व्यक्ति पर कोई भी दवा कारगर नहीं हो सकती। कारगर तभी हो सकती है बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। मैं कुछ भी अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अपने बारे में जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम सूरज शर्मा है और मैं मेरठ के पास एक छोटे से गांव का निवासी हूं। पापा साधारण से किसान हैं। जीवन की शुरुआत उसी तरह हुई जैसे हजारों लोगों की जीवन की एक शुरुआत होती है। नॉर्मली बचपन में जब कोई मम्मी से या पापा से पूछता था बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो बोलते थे डॉक्टर। आज अगर हम एग्जाम्पल देखें, कहीं भी नॉर्मल जगह पर भी देखें, कोई जो बहुत गरीब स्थिति के अंदर इंसान है, झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहता है, अगर उसकी माँ बच्चे को खिला रही है, बच्चा थोड़ा बड़ा है 2-3 साल का, उससे पूछा जाए बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो क्या बताएगा वो? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। बट सच्चाई यह है, क्या वो बन पाता है? शायद नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। सिंपल सी फैमिली थी और सपने बहुत सारे थे, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई हुई। पढ़ाई में रोज पापा मोटिवेट किया करते थे, कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, ये कर लो, 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, पढ़ाई होगी तो अच्छा होगा जिंदगी के अंदर, ये होगा वो होगा, हमेशा मोटिवेट किया करते थे ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन सच्चाई ये है जिंदगी की कि ग्रेजुएशन तो हो गई और ये लगा जब 10वीं पास की कि मैंने बहुत अच्छा कुछ किया है, 12वीं के बाद फिर ऐसा लगा, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अच्छा लगा कि बहुत अच्छा हो गया है। अब तो जैसे दिल्ली से बहुत सारे लोग आते हैं जॉब करने के बाद, एक अच्छी जींस, एक अच्छी टी शर्ट, एक अच्छा पहनावा, और दिल्ली में तो जितने लोग होंगे सब बाबूजी होंगे, सभी के पास गाड़ियां होंगी, घर होगा और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली जाकर मुझे ग्रेजुएशन के बाद रियल लाइफ का पता लगा कि दिल्ली में जहां पर बस के मालिक रहते हैं वहां पर बस में कंडक्टर भी रहता है, हेल्पर भी रहता है। जहां पर बहुत रईस लोग रहते हैं वहां पर एक काम करने वाली वो महिला भी रहती है, जैसे पूरे महीने काम करने के बाद 300 रुपए मिलते हैं।
और मुझे समझ में आ गया था, मेरी आंखों का पर्दा हट चुका था पूरी तरह से कि जिंदगी के अंदर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 150 रुपए की लाल किले के ऊपर टी शर्ट और जींस मिल जाती है, उससे क्या होगा। शुरू में बहुत बुरा लगा था जब मेरी पहली सैलरी मुझे पता लगा 2250 रुपए, बड़ी सिफारिश के बाद 2252 रुपए की मुझे तनख्वाह मिली थी, और मुझे बहुत बुरा लगा था। किसी को अच्छा लगता सबको बुरा लगता है, भिखारी की बनकर जीना किसी को अच्छा लगता, बस के डंडे पे पूरे दिन लटके रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, और 20वें दिन सैलरी का खत्म हो जाना और 150 रुपए का जूता पहनना, तला नीचे से निकला हुआ उसको गठवा के पहनना किसी को अच्छा नहीं लगता, वो अलग बात है। ऊपर से उसके बावजूद भी एक इंसान पान दबा के या पीप थूक के क्या बोलता है, आई एम द बेस्ट, अच्छा किसी को नहीं लगता ऐसा होना। मेरे साथ भी वैसा ही था, और जब मैं जॉब करने लगा तो मेरी मजबूरी थी जॉब को करना, क्योंकि जॉब कोई शौक में नहीं करता, उसकी मजबूरी होती है। आज एक इंसान ईगो की वजह से ये बोलता है मैं ये हूं मैं वो हूं दिखाता है, लेकिन सच्चाई ये है वो बोलता नहीं है, उसकी मजबूरी बुलवाती है, बेचारा करे क्या, एक इंसान करे क्या। बचपन से सपने देखे, बड़े होकर सपने खत्म हो गए, तो करेगा क्या, उसके पास ऑप्शन क्या है काम इंसान के पास। मेरे पास ही वही था, और 3 साल जिंदगी के निकले थे वाइपर बन के, जहां सुबह 9 से 5 में आता था जाता था, और जिंदगी वही बन गई थी जैसे कुएं के मेंढक की जिंदगी बन जाती है, कुछ था ही नहीं लाइफस्टाइल के अंदर। बट एक बदलाव 3 साल के बाद आया जब स्मार्ट वैल्यू मिला। आज जो कुछ भी है स्मार्ट वैल्यू की वजह से, अगर स्मार्ट वैल्यू की बात करूं, जब शुरू किया था तो बसों में किराए के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज इस प्रोग्राम की वजह से जिस गाड़ी को मैं भी ड्राइव करता हूं वो टोयोटा कोरोला है, 3-3 गाड़ियां और भी हैं, मारुति होंडा सिटी सेंट्रो टोयोटा कोरोला, जी 4-4 कारें हैं आज मेरे पास। अगर बात करें अचीवमेंट की, लास्ट वीक की जो मेरी इनकम रही इस प्रोग्राम के माध्यम से वो लगभग इतनी रही इस प्रोग्राम से जितनी की बहुत सारे लीडर्स की एक इच्छा होती है, बहुत सारे लोगों की, मेरा चेक कितने का बन जाए 30,000, 40,000, 50,000, उससे कहीं जाता। एवरी वीक मेरा चैरिटी में खर्च हो जाता है, चैरिटी में। आज अगर चेक की बात करूं, इच्छा होती है बहुत सारे लोगों की कि मेरा चेक इतना आना चाहिए, पिछले हफ्ते एक साइड पे सीलिंग हो गई, दूसरी साइड है वो भी ऑलरेडी डबल क्राउन होने वाली है, ट्रिपल क्राउन हो जाएगी इस बार, उसके बाद तीसरी साइड है वो भी क्राउन होने जा रही है। तो समझ में आया कि आज इनकम की अगर बात करें तो इनकम तो नो मैटर, आज मैटर ही नहीं करता, क्योंकि पैसे जो है उसे कोई इंसान खाता नहीं है, पैसा सिर्फ यूज कर सकता है इंसान, क्या कर सकता है पैसे का। पहले लेवल डबल क्राउन था, अभी ट्रिपल क्राउन होने वाला है, 2-4 हफ्तों के बाद एस डायरेक्टर हो जाएगा, उसके बाद दूसरी साइड भी ट्रिपल क्राउन आ जाएगी। सो वो सब चीजें छोटी हो गई है, लेकिन दोस्तों हुआ क्यों मैं वो जरूर आपको बताना चाहूंगा। ले सकता हूं मैं आपके 5 मिनट, सो गए सब, यस और नो, गुड। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, देखिए होता क्या है, हम सभी ज्वाइन करते हैं, हमारा जो ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस है वो सभी का एक है। क्या एक ज्वाइनिंग फॉर्म होता है जो 5 रुपए का आता है, उसको हम भरते हैं, अपना सर्टिफिकेट अपना डीडी हम लगाते हैं, उसके बदले में हमें प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जब हम फार्म सब एक तरह से भरते हैं, ब्लड के अगर हम बंदर की बात करें, काट के देखा जाए तो सब एक जैसे निकलेंगे। अगर हम ऊपर से देखें लेयर की, ये भी किसी काली किसी की नीली थोड़ी लाल, सबकी एक जैसी होती है, ये सुनो। बट उसके बावजूद रिजल्ट अलग अलग क्यों है, हर इंसान के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों नहीं है उस तरह के जिस तरह के आज पार्थ चक्रवर्ती के, आशीष भारद्वाज जी के हैं, या हजारों टॉप लीडर्स के, वैसे रिजल्ट हर इंसान के क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं कि 3 साल मुझे निकल गए थे इस बिजनेस के अंदर, और 3 साल के अंदर मैं बस छोड़कर ऑटो के पैसे नहीं जुटा पाया था इस बिजनेस से। मैं बस में ही चलता था, मैं बहुत मोटिवेटेड था, मैं सारी ट्रेनिंग्स में आता था, बट 3 साल निकल गए थे, 3 साल के बावजूद भी मैं ऑटो अफोर्ड नहीं कर सकता था, ऑटो सिर्फ बस में चला करता था। और 2 साल के अंदर 4-4 गाड़ियां, आलीशान घर, विदेश यात्रा, सब कुछ हो गया। क्यों हुआ, कारण क्या था, कारण क्या था, 2 साल में इतना क्यों हो गया, पहले 3 साल में क्यों नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, और वो है कि जिस चीज के लिए आप दुनिया को मोटिवेट करना चाहते हो, पहले क्या आप उस चीज के लिए मोटिवेट हो। आज मैं लोगों को करोड़पति बनाने के लिए मोटिवेट करना चाहता हूं, मैंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया, और मैं इंसान को चीख चीख के बोल रहा हूं, अपने जीजा को, अपने फूफा को, अपने मामा को, अपने एक दोस्त को, कि स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करो, स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करो, ये प्रोग्राम है, देखो कितना तगड़ा लीडर है। लेकिन मेरे खुद अंदर से फियर है कि बिजनेस होगा नहीं होगा, कहीं कंपनी उड़ गया तो, अरे अगर मैं नहीं कर पाया तो, जब खुद ही अंदर से आपका डर है, आप पूरी तरह अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पाए, आप अपने आप को ओपन नहीं कर पाए इस बिजनेस के लिए, आप अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पाए, आप अपने आप को इस बिजनेस में समर्पित ही नहीं कर पाए, तो आप दूसरे इंसान की डेडिकेशन यहां पर कैसे करा सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। 3 साल मेरा बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि मैं सीनियर जिसको भी देखता था, मैं पार्थो चक्रवर्ती गए दिल्ली तो मैं भाग के पैर छुआ करता था, अरे अब तो आशीर्वाद मिल जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। प्रदीप अग्रवाल जी मिले, भक्के पैर छू लिए, अरे मजा आ गया, फोटो भी लिया कैमरे के अंदर, मजा आ गया जब तो।
उसके बाद क्या हुआ, कोई ओल्ड लीडर मिला, उससे फिर मोटिवेट हुआ, अरे अब तो बिजनेस बहुत तगड़ा होगा। लेकिन वो मोटिवेशन कितनी देर का था, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, दूसरे के मोटिवेशन से चेक नहीं आएगा, चेक उसी के आएगा जिसको देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं। अगर आपको चेक अपना बनाना है तो पहले उस इंसान जैसे बनो, ताकि जब आप उस जैसे बनोगे लोग आपके पैर छूएंगे तो चेक ऑटोमेटिक आएगा, कोई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक चेक के लिए काम करते रहोगे, जब तक ज्वाइनिंग के लिए काम करते रहोगे, तब तक काम नहीं होगा। जिस दिन अपने आप को डेवलप करने के लिए काम करोगे उस दिन बहुत काम होगा और बहुत बिजनेस होगा, बहुत होगा। मुझे याद है जब मैं किसी सीनियर की गाड़ी देखता था, एकदम से बहुत चक्कर रहता था, इतनी बड़ी गाड़ी सीनियर के पास आ गई, यार ये गाड़ी ये ऐसा। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जब सीनियर प्लेन्सो के बाद में गाड़ी उठाकर अपने घर के लिए चलते थे, शीशे ऊपर कर लिया करते थे, तो मैं बड़े स्टाइल के साथ बस ढूंढने के लिए चलता था बैग उठाकर। हट तो होता ही नहीं, दिल के अंदर हट तो होता ही नहीं था, यहां पर दिल में दर्द ही नहीं होता था। और जब तक दर्द नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा, कभी दर्द ही नहीं हुआ। सीनियर को देखा, बस मोटिवेट हूं, पता नहीं क्यों मोटिवेट हूं, मुझे पता ही नहीं था मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था मैं क्यों ट्रेनिंग में जा रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं था मैं क्यों वर्क कर रहा हूं सुबह शाम तक, क्यों भाग रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था। जिंदगी के एक लाइफ के इंसिडेंट ने, आज से लगभग 2.5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट ने मुझे इतना सीरियस कर दिया था इस बिजनेस के लिए कि मुझे यह समझ में आ गया था कि बिना किए कुछ नहीं हो सकता, अगर स्वर्ग देखना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। लगातार 2.5 साल हो गए थे और मेरी डाउनलाइन में, मेरे ग्रुप के अंदर कई सारे लोग ऐसे थे जो अपनी बाइक ले चुके थे, डेवलप करने लगे थे, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, बैलून की तरह थोड़ी देर में हवा भरी और थोड़ी देर में बाहर। ट्रेनिंग ली बहुत बढ़िया, एक बार अपनी तरफ देख रहे हो जो जोश आ रहा है, फिर थोड़ी देर में प्लान की तरफ, अरे स्पिल ओवर डाल दे तू मेरे को। कभी मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन अंदर से नहीं बना करोड़पति बनने का। मतलब क्या है कि जब मुझे झाड़ू लगाने में मजा आ रहा है और मैं करोड़पति को देख के परेशानी नहीं हो रहा कि मैं करोड़पति क्यों नहीं हूं, तो मैं झाड़ू लगाता रहूंगा जिंदगी भर। क्यों फ्रेंड्स, जब तक उपाय नहीं ढूंढूंगा क्या होगा, अगर मुझे जलन नहीं हो रही, जब मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं मैं बस से वापस चला जाऊंगा, तो मेरे पास गाड़ी कभी जिंदगी में आएगी क्या? नो, गाड़ी कब आएगी? अरे सीनियर के पैर पकड़ के बिना मतलब नाक रगड़ने से कुछ नहीं होगा। सीनियर के पैर पकड़ के कसम खाओ कि आज जिस तरह इसका लेवल है, आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं भी वही हार्डवर्क करूंगा और मेरा लेवल भी ऐसी होगा, तब होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। मैं एक दिन सुबह सुबह तैयार हुआ, 2.5 साल जब मुझे बिजनेस में हो चुका था, मेरी टीम जयपुर में भी है, तो मॉर्निंग में निकला, बारिश हो रही थी, आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं सभी? चलिए गुड। तो काफी तेज बारिश हो रही थी, आदत पड़ चुकी थी रोज ऐसी बैग उठाना और चल देना पैदल पैदल भिखारियों की तरह। बहुत सारे लोगों की हैबिट हो जाती है ना, 1 साल हो गया बिजनेस में, 2 साल हो गया, ना कोई इनवाइट आया, बिना मतलब संडे को पहुंच गए, फिर बिना मतलब मंडे को पहुंच गए, बिना मतलब ट्रेनिंग में पहुंच गए, जूता फटा हुआ है वो भी कील लगवा ली। अरे भाई, जब मुझे एक बात का पता है कि ज्वाइनिंग आज भी करने से मेरी होगी, अगर मेरी वीकर लगे तो कोई दूसरा थोड़ा डाल देगा ज्वाइनिंग किसे करानी है मुझे, और जो मेरी हैवी लेग है वो भी मुझे डेवलप करनी है। मेरे ग्रुप में ट्रेनिंग जो होगी वो भी मैं ही करूंगा, क्योंकि मेरे चेक ना बनने से मेरे सीनियर पे फर्क नहीं पड़ेगा, किससे फर्क पड़ेगा, मुझ पे। तो क्या हुआ, मैं जयपुर के लिए मॉर्निंग में निकला और अर्ली मॉर्निंग बारिश तेज थी, कभी इतना सोचने का मौका नहीं मिला था कि मेरी डाउनलाइन के पास बाइक आ गई है, मेरे पास क्यों नहीं आई, मेरे सीनियर ने इतने सालों ने गाड़ी ले ली मेरे देखते हुए। कई सारे लीडर ऐसे थे जो होंडा सिटी तक में आ गए थे मेरे ही साथ के ज्वाइनर्स, रेगुलर में भी था बट मेरे रिजल्ट नहीं थे। तो क्या हुआ, मैं सुबह सुबह जयपुर के लिए जैसे निकला, ऑटो के अंदर बैठा, सीएनजी चल रही है दिल्ली में, सीएनजी लगी होती है ऑटो के अंदर, तो कुछ दूरी पर जाके ऑटो बंद हो गया पानी के अंदर। उसने कहा भाऊजी उतर के धक्का लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले इतने पैसे नहीं होते थे कि ऑटो एक साथ कर सकूं मैं, एक आदमी और खड़ा था, उनने 10 रुपए दिए, 10 रुपए मैंने दिए, ऐसे करके हमने ऑटो बुक किया, 2 जनों ने मिलकर क्लब करके, भाई तुम भी इधर जा रहे हो मैं भी चल रहा हूं, तो ऑटो वाला हवाई लगाता चला जाता है रस्ते में सुबह सुबह के टाइम कि आ जाओ 5 रुपए सवारी हल्की है वो भरी, कोई भी चलेगा। तो इस तरह मैं भी बैठ गया उसके अंदर। अब क्या हुआ, इतनी देरी में पीछे से मेरे जूते उतर सब भीग गए, मैंने उतरा और ऊपर से एक स्टीम कार तेजी से आई और आते ही उसने इतनी तेज कीचड़ उछाली कि मैं पूरा नीचे से ऊपर कीचड़ में सन गया। जब मैं कीचड़ के अंदर सन गया तो मुझे उस दिन पहली बार लाइफ के अंदर फील हो रहा था। अब मेरे माइंड में 2 क्वेश्चन थे कि मैं घर वापस जाऊं या जयपुर जाऊं, बट मैंने सोचा चलो आज चलता हूं जयपुर। और मैं बहुत दुखी था, मतलब आप कह सकते हैं लाइफ के अंदर शायद मैं कभी इतना दुखी हुआ हूं,
अगर मुझे वो गाड़ी वाला मिल जाता तो मैं उसे कत्ल कर देता। मैंने गालियां भी दी बहुत पीछे से, पर होता क्या भाई, वो तो गाड़ी वाला है, अमीर तो अमीर है, आज मुझे देख के बहुत सारे देते होंगे रेड लाइट पे, उसके ऊपर खींचड़ जाती होगी, क्या होगा। तो क्या हुआ कि मैं बहुत दुखी हुआ और मैं बस के अंदर बैठ गया। सर्दियों के दिन थे, कुछ इसी तरह का जैसे अभी मौसम चल रहा है, यहां पे तो थोड़ा गर्मी है लेकिन दिल्ली के अंदर थोड़ा सर्दी रहता है। मैं उसके बावजूद फिर मैं बस में जाकर बैठ गया। बस में जाने के बाद में मुझे बहुत सर्दी लगने लगी, मैंने कपड़े ऐसे तैसे सुखाए, थोड़ा निचोड़ रहा था ऐसे बैठा हुआ, कुछ इस तरह दूसरा कोई कपड़ा भी मेरे पास नहीं था उस टाइम में। तो मैंने वहां के लीडर को फोन किया कि भाई तुम कपड़े लेके आ जाओ। पूरे रास्ते मैं एक ही बात बार बार सोच रहा था कि वो आदमी गाड़ी के अंदर क्यों चल रहा था, मैं क्यों नहीं चल रहा। मेरे देखते देखते स्मार्ट वैल्यू के अंदर सैकड़ों लोग कर ले, मेरी क्यों नहीं आई। उस दिन पहली बार मुझे फीलिंग हुई थी कि ये सब लोग राजा है और मैं भिखारी हूं। पहले तो फीलिंग नहीं होती थी, आशीष जी ट्रेनिंग दिया करते थे, मैं ट्रेनिंग के बाद बोलते थे मुझे सिखाएगा ये मथुरा के और मैं मेरठ का हूं, ऐसे बोल दिया करते थे हम तो ऐसे ही बोलते थे। किसी नए बच्चे की ट्रेनिंग सुनते थे तो अपने क्षेत्र का मान लिया कोई बच्चा है तो हम कहते थे स्कूल में तो बहुत मारा है हमने इसे, ऐसे बोल दिया करते थे। बट उस दिन फीलिंग हुई और जयपुर तक ना मैं सोया और मैं लगातार सोचता रहा, यही सोचता रहा। वहां जाने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और उस दिन मैंने डिसाइड किया था पहली बार लाइफ के अंदर कि अब कार लेनी है। और दोस्तों बिलीव कीजिएगा कि उस हफ्ते से ऑटोमेटिकली जब मैं अंदर से बिलीव फैक्टर मजबूत हुआ, मेरा शेड्यूलर भी बन गया, मैंने उस दिन से इन्विटेशन भी तगड़ी करनी शुरू कर दी। उससे पहले मुझे शर्म लगती थी, मैंने सोचा शर्म कर करके अगर भिखारी वाली जिंदगी बनानी पड़ती है इंसान को, और बेशरम होकर अगर लंबी गाड़ी आ जाती है और अच्छा काम कर रहा हूं मैं एजुकेशन स्पेड कर रहा हूं तो कर तो अब भी रहा हूं, जब कर ही रहा हूं तो डर के क्यों करूं, करना है तो जी खोल के करूं। सो मैंने जी खोल के इस बिजनेस को करना शुरू किया और मात्र 3 महीने के अंदर उस दिन ड्रीम बिल्डिंग पहली बार की थी, गाड़ी का मारुति का पोस्टर लगा दिया था घर के अंदर। दिल्ली की कोई लीडर के पास मारुति नहीं थी, सबसे पहली वो इतनी छोटी कार थी मेरी, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। मैंने 3 महीने के अंदर उसी डेट में मारुति अटेंड करके अपने घर के अंदर खड़ी कर दी थी, वो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी बिजनेस से। उसके बाद उस दिन से फीलिंग होनी शुरू हो गई थी, फीलिंग होनी। फिर जब घर जाता था घर देखता था यार दूसरों के तो अच्छे घर है, मेरा घर अच्छा नहीं है। उस दिन से घर को तुड़वाना शुरू कर दिया, जितना चेक आता अब एक साइड के चेक से गुजारा होना बंद हो गया, दूसरी साइड पे जॉइनिंग डालनी शुरू कर दी, सड़कों पे जॉइनिंग शुरू कर दी। आज मेरे ग्रुप में जितने भी ज्यादातर क्राउन डायरेक्टर्स हैं या बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं, उन्हें ज्यादातर किसी को चाय की दुकान से, किसी को सड़क में बस में चलते हुए, मैंने ऐसे ही ज्वाइन कराया। आज वो क्राउन डायरेक्टर्स है, आज वो क्राउन डायरेक्टर्स है, बहुत सारे क्राउन डायरेक्टर मेरी टीम में ऐसे। होते होते ढूंढता गया, एक थैला हुआ करता था, कोई भी थैला 3 महीने ज्यादा नहीं चलता था मेरा, 3 महीने ज्यादा। क्यों? क्योंकि माइंड में एक चीज रहती थी, अगर किसी इंसान को मैंने ये वाली बुक दिखा दी और दूसरी की जरूरत पड़ गई तो, दूसरी दिखा दी तीसरी की जरूरत पड़ गई तो, जितने भी मेरे पास टूल्स हुआ करते चाहे वो इतने हैं, मैं पूरे बैग में गूंज गूंज के भर लिया करता था जबरदस्त। और एक ही माइंड में हुआ करता था कि जिसका फॉलोअप करने पहुंच गया या तो वो ज्वाइन नहीं होगा, या तो ज्वाइन होगा तो आज होगा, वरना दुनिया के अंदर किसी से ज्वाइन नहीं होगा, होगा तो मुझसे ही होगा। पहले फॉलोअप के लिए क्या करते थे, अपलाइन का सारा लिया करते थे, आशीष जी का फोन आया करता था, हाँ जी सूरज जी ट्रेनिंग है कल, कभी जोश ही नहीं था कुछ, पहुंच गए जी बाबूजी की तरह हाथ लाते, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन से फीलिंग आनी शुरू हो गई कि अरे ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम किसको फायदा है, इस ऑडिटोरियम का पार्थो दा को, बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे लोग अकेले बैठे हुए उनका क्या फायदा इस ट्रेनिंग का जब आपकी टीम ही नहीं है यहां पे। क्यों फ्रेंड्स, फायदा कब है, जब आप एक इंस्पिरेशन लेकर जाए कि आज से 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, जितना दम है वैसे नहीं फोल्स बिना मतलब कि 3 महीने भर दूंगा, इतने दिन के बाद ये साइंस सिटी पूरा का पूरा मेरे लिए बुक होगा और मेरी टीम की ट्रेनिंग हो रही होगी तब इसमें फायदा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। प्रोग्राम योरसेल्फ, मोटिवेटेड योरसेल्फ, काउंसलिंग टीम की करने से कुछ नहीं होगा, पहले अपनी काउंसलिंग करो, पहले अपने आप को मोटिवेट करो। प्रोग्रामिंग दुनिया की वो इंसान क्या करेगा जो खुद प्रोग्राम नहीं है। आज मैं प्रोग्राम हूं कि मुझे आने वाले 5 साल के अंदर 10 साइड कैप पे लगानी है, 10 साइड में प्रोग्राम हूं अपने आप में। आज 2 साइड दूसरी साइड भी कैप पे लगने वाली है और तीसरी साइड भी लग जाएगी इस साल, भगवान ने चाहा तो तीसरी भी लगेगी। मैं प्रोग्राम हूं, मैं चाहता हूं। मुझे याद है आज भी जब मैं ऑफिस के अंदर आया करता था कोई इज्जत नहीं होती थी, कोई वक्त नहीं होती थी, क्योंकि अगर आपके अचीवमेंट है तो आपकी वक्त है, अदरवाइज कुछ नहीं है। बड़े बड़े भाषण देने से और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, अगर आपके रिजल्ट है तो यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज यू आर नथिंग। अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो आप ठीक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को सल्यूट जब तक था जब तो प्राइम मिनिस्टर था, नहीं है तो नहीं है, छुट्टी। ये कलयुग है। अगर आपके अंदर दम है तो करो, नहीं है तो मरो। दो ही उपाय हैं, दो ही रास्ते हैं।
या तो पूरी जिंदगी अपने आप को, जब आप सोचने लगेंगे, जिस दिन आप डिक्लेयर कर लेंगे अपने आप में, सोचने लगेंगे आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक। मेरे आधे फॉलोअप तो ऐसे जाते थे, मैं आशीष जी कहता था सर फॉलोअप करने चलो, 5 दिन हो गए फॉलोअप के लिए कहते हुए, अरे भाई हम क्या हैं? 2 बातें पूछनी है इंसान से, 3-4 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली कि भाई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, अरे कान पे बोलो जोर से कि ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं, मैं तेरा रिश्तेदार हूं, मैं तुझे गलत कहूंगा क्या? मैं कह रहा हूं कर ज्वाइन, कैसे नहीं करेगा वो, कैसे नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा? मोहल्ले का कोई लड़का ज्वाइन नहीं करता, सीधा बोला भिखारी बना रहेगा क्या? कर ज्वाइन, मैं कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है सीनियर के फॉलोअप की, अपने में दम होना चाहिए। कब बोलोगे? आवाज कब निकलेगी? आवाज कब निकलेगी? जब से निकलेगी, जब से आप चाहोगे। नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नहीं चाहोगे तो, चाहोगे तो आवाज भी निकलेगी। और जैसे मैं आज से 3 साल पहले यहां सिल्वर बन के आया था और आज एज ए ट्रिपल क्राउन डायरेक्टर मेरा लेवल होने वाला, आज यहां पर चिंगार रहा हूं, उसी तरह आप भी चिल्ला रहे होगे। लेकिन अगर दम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यह बिजनेस गीदड़ गीदड़ी बिल्ली सूने का खेल नहीं है, यह बिजनेस है शेरों का। और शेर कौन होता है? जिसने सैंडी का दूध पिया हो। क्या आपने सैंडी का दूध पिया है? ये सुनो, दम है आपके अंदर, अगर दम है तो बिजनेस होगा, अगर दम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और यहां नहीं कहीं नहीं होगा, भिखारी बनकर दुनिया से निकल जाओगे, बस कटे पूछ दी झूलते रहोगे, ऐसे ही कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सोचने से, कुछ नहीं होगा बड़ी बड़ी बातें करने से, जब होगा तो करने से होगा, करने से। और जिस दिन अपने आप को ओपन कर दोगे, जिस दिन यहां के बैरियर तोड़ दोगे, माइंड के ब्लॉक को खत्म कर दोगे, उस दिन बहुत बिजनेस होगा, दुनिया देखेगी हुआ क्या। मैं वो इंसान हूं, जब मैं टेस्टिमनी देकर निकलता था तो मैं अपना नाम ठीक से नहीं बता पाता था, मैं यूपी के डायलेक्ट में बोलता था, लोगों को गालियां दिया करता था और मैंने कितने डाउनलोड को मार के भगा दिया। मैं वो इंसान खड़ा हूं आपके सामने, क्यों? क्योंकि विजन था लड़ाई झगड़ा फालतू की बातें, लेकिन आज विजन क्या है? इस वर्ल्ड में ऐसा नेटवर्कर बनना कि आज हिंदुस्तान के अंदर हूं, कल विदेशों के अंदर लोग बोल रहे हो कि आज सूरज शर्मा की टीम यहां पर ट्रेनिंग ले रही है, वो नेटवर्क बनना। आज विजन नहीं है कुछ और, आज वो विजन खत्म हो गया, किसी की लड़ाई किसी का झगड़ा किसी का ये, आज वो विजन खत्म हो गया। आज विजन क्या है? आज अभी मैं अशोक दास जी के साथ था, बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर उनकी गाड़ी देख के, बट मैं परेशान नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ कि इतनी बड़ी गाड़ी है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया है तो? अरे हो जाएगी, अब पता लगा ना, पता तो लग गया ना कि यह भी हो सकता है तो मेरा भी हो जाएगा, बस क्या हो गया। अरे आज पार्थादों को देख के चिंता करने की क्या जरूरत है? पार्थादा प्रेसिडेंट क्लब के मेंबर बन गए तो क्या हुआ, क्या हुआ? जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन थे, जिस दिन उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था उस दिन थे वो प्रेसिडेंट क्लब के मेंबर, शायद नहीं। तो मुझे पता लग गया कि अगर वो बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। दैट्स इट, सिंपल, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। सिर्फ 10 देखे क्लब का मेंबर, कैप लगाना, 1.5 लाख का चैप, सिर्फ अभी पता है 1.5 लाख मुझे कैसे लगता है, जैसे 1500 रुपए चेक क्यों आ रहा है, तनखा में मुझे 2200 रुपए मिलते थे ना तनखा के, और मैं कई बार गिनता था, अभी 1.5 लाख के चेकों में उसी तरह देखता हूं, 2-3 चेकों में 2-3 चेक है तो 2-2.5 लाख रुपए हुए, मजा ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिस तरह एक इंसान के लिए 10वीं जब तक बहुत मुश्किल है मैट्रिक करना, जब तक उसने पास नहीं की, लेकिन जब पास कर लेता तो बहुत आसान है। साइकिल चलाना एक इंसान के लिए जब तक मुश्किल है, जब तक उसने साइकिल नहीं चलानी जानता, वो जब चलानी जान गया तो बहुत आसान है। और दुनिया के अंदर मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, कोई भी इंसान मुझसे मिल ले इस बात के लिए, कि जितना आसान साइकिल चलाना है उससे 1000 गुना आसान नेटवर्क मार्केटिंग है। सिर्फ क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग तरकीब लगा देते हैं, दिमाग लगा देते हैं, फालतू का सोचने लगते हैं, दूर दूर की बातें। अरे सिंपल सा बिजनेस है, मामूली सा बिजनेस है क्या? अरे लोगों को प्रोग्राम के बारे में बताना है, ज्वाइन कराना है और उन्हें चेक के बारे में बताना है, ऐसे पैसा आएगा। कितना सिंपल बिजनेस है, दिमाग लगाने जरूरत क्या है? फर्क सिर्फ इतना क्या है, फर्क इतना है कि चाहे बस में बैठो, चाहे रेल में बैठो, चाहे सो रहे हो। पता है एक दिन क्या हुआ मेरी, जब मैं नया था बिजनेस के अंदर 2-3 साल बाद, जब मुझे जुनून चढ़ा था, तो मेरी मौसी की बेटी एक दिन बैठी हुई थी। अब रात को 12-1 बजे मैं लेट आ जाता था घर से, तो घर वाले बड़े परेशान थे कि ये इतना वो करता है, कभी कभी जाता था घर तो बड़े परेशान हो गए। तो मैंने उसको रात को सपने में पकड़ लिया, मैं उससे कह रहा ज्वाइन कर ले जिंदगी बदल जाएगी, ज्वाइन कर ले। अब सबने मुझे उठाया, बोला क्या हो गया? क्योंकि समझ में क्या आना चाहिए इंसान को, जब तक पागलपन नहीं होगा तो चेक कैसे बनेगा। एक बात सोचिए कि एक इंसान का 2.5 साल के अंदर 10,000 रुपए महीने की इनकम नहीं थी इस बिजनेस से, 10,000 रुपए की, बिलीव करिए मेरा,
ढाई साल में 10,000 रुपए का चेक नहीं आता था, लेकिन आज सिर्फ ढाई साल में, सिर्फ ढाई साल में कितने का आता है मैं अब क्या बताऊं स्टेज से, क्योंकि बोलना भी अलाउ नहीं है। बाद में मिल लेना तो बता दूंगा, बाद में मिल लेना, अपने आप अनुमान लगा लेना, जिसकी एक साइड सीलिंग पे हो, दूसरी साइड सीलिंग के पास में हो और तीसरी साइड क्राउन गोल्ड डायरेक्टर होने वाले हो, मेरे ही नाम से, सूरज शर्मा के नाम से दो साइड है, तो अपने आप अनुमान लगा लेना कितनी इनकम होगी। सो एक ही चीज मैं कहूंगा आपसे, सबसे पहले दुनिया में कमियां मत ढूंढो, अपने अंदर कमियां ढूंढो, कमियां जो होती है वो हमारे अंदर होती है। अपने आप को बैठो, अपने आप को एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा, पांच घंटा, सात घंटा बैठा लो अकेले में, और पहले अपने आप से एक क्वेश्चन कर लो सिंपल सा, भिखारी बन के जीना है या कुछ करना है। सिंपल सा क्वेश्चन तो कर लो अपने आप से। अब अगर आवाज आई मरी सी तो कुछ नहीं होगा, और आवाज में हुआ दम कि नहीं करना है तो ढाई साल क्या, तो दो साल भी बहुत ज्यादा है, तो सिस्टम इतना पावरफुल हो चुका है कि कोई भी इंसान एक साल में, डेढ़ साल में कैप लगा सकता है। बट वो तभी लगा सकता है कि जब एक इंसान के पास कैलकुलेशंस हो, कैलकुलेशंस। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं तुम्हारा क्या लेवल निकलेगा, सर क्राउन बनूंगा, क्राउन। हाँ लड्डू है खा ले, लड्डू है, गोलगप्पा है वो बाहर जाके मिलेगा खा जाना। अरे क्राउन क्या है, क्राउन पहले समझ में आना चाहिए कि क्राउन बनने के लिए इतने स्मार्ट चीवर चाहिए होंगे, इतने स्मार्ट के लिए इतनी ज्वाइनिंग चाहिए होंगी, और इतनी ज्वाइनिंग कब आएंगी, जब संडे के शो की पहले से तीन दिन पहले से प्लानिंग होगी कि संडे को हमारा बड़ा शो होने वाला है, वहां पर ज्यादातर इनवाइटी मेरे होंगे, और जब चेयर के पास खड़े हो जाओगे एक साइड से और गिनोगे कि आज तो इतनी रो मेरी है, अगली बार इतनी मेरी है, तीसरी बार मेरी इतनी है, एक दिन पता लगा प्लान तो यही सोचता रहा कि सारा ऑडिटोरियम मेरे इनवाइटी से भरा है, लेकिन पता लगा सारे में आपके इनवाइटी भर गए, तब होगा बिजनेस, तब होगा बिजनेस, तब होगा बिजनेस, तब होगा। ना तालियां बजाने बिजनेस होगा, ना बिना मतलब का एक माला देने बिजनेस होगा कि बहुत तगड़ा स्मार्ट वैल्यू, बहुत बढ़िया स्मार्ट वैल्यू, नंबर वन स्मार्ट वैल्यू, नंबर कितना ही करते हो क्या होगा, क्या होगा। अरे स्मार्ट वैल्यू तो नंबर वन है, पर उसे कोई भिखारी थोड़ी करता है, वो तो नंबर वन चाहिए, पहले खुद को तो नंबर वन बनाओ। ये सुनो, सो फ्रेंड्स मेरा जो कहना है सिर्फ इतना है, हालांकि बातें तो बहुत सारी मैं कर सकता हूं और बहुत सारी इच्छा भी थी करने की, बट वही है समय इजाजत नहीं देता। बट मैं इतना ही कहूंगा कि इंसान की जो है वो उस टाइम से होती है, क्योंकि जो इंसान देख नहीं सकता उसके लिए अभी सुबह भी नहीं होती, सुबह उसी के लिए होती है। अगर आप आंखें बंद कर लीजिए अभी, क्या हो गया, रात होगी नहीं होगी, क्यों फ्रेंड्स, और अगर आंखें खोल ली तो क्या है, सुबह है। तो आज आपने इस प्रोग्राम में यहां पर आए हैं, इतना बड़ा साइंस सिटी बुक हुआ है, इतना अच्छा प्रोग्राम आपने देखा, इतना समझा इस प्रोग्राम को, अब जाग जाइए। और इस दुनिया के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी दूसरे के एफर्ट का किसी को कोई फायदा नहीं होता, जब भी फायदा होता है अपने एफर्ट का होता है। पहले मुझे जो मेरा मोटिवेशन था वो था ज्यादा सोना, पहले मेरा मोटिवेशन था बिना मतलब की फॉल्स बातें करना, पहले मेरा मोटिवेशन था सिर्फ ट्रेनिंग में जाना और आ जाना, पहले मेरा जो मोटिवेशन था वो था पिछलग्गू की तरह पीछे बैठना और दो चार लोगों के साथ जाना, बाद में मेरा मोटिवेशन बन गया एक लीडर के रूप में अपने आप को डेवलप करना, तो हुआ। सो मेरा इतना ही मैसेज है आप सभी के लिए, अपने आप को अगर देखना चाहते हैं लीडर के रूप में देखो, पूरी जिंदगी नारे लगाने वाला जिंदगी भर नारे लगाता रहता है, लेकिन लीडर जो होता है वो कभी ना नारे लगाता है और आता है और दुनिया 50-50 रुपए के लिए झाड़ी मजदूर बनकर पूरी जिंदगी गुजार के चली जाती है। सो अपने अंदर लीडरशिप को पैदा कीजिए, अपनी मां के दूध को मत ले जाइए जिस मां का आपने दूध पिया है, अगर आप वास्तव में उसे शेरनी कहलाना चाहते हैं तो प्रूव योरसेल्फ, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, है कोई ऑप्शन क्या, ये सुन लो, कौन बैठे हुए हैं सभी, शेरनी के बच्चे या और कुछ, व्हाट वी आर, व्हाट वी आर, वी आर लीडर्स, We are lion, we are tigers, और definitely आज बहुत सारे लोगों ने स्मार्ट वैल्यू प्रूव किया है, और मेरा विश्वास है कि इस ऑडिटोरियम में जितने लोग बैठे हैं उसमें हर इंसान एक दिन प्रूव करेगा कि वी आर लीडर्स, यस और नो, वादा है। सो आज से प्लानिंग वे में अपना पूरा डिटेल बनाइए, अपने बिजनेस की पूरी जानकारी रखिए, कहां से कितने इन्विटेशन कराने हैं, कैसे फॉलोअप प्लानिंग होगी, पूरी प्लानिंग के साथ बिजनेस को कीजिए और अपने दम पे कीजिए, तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। आप सभी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की हो, विश यू वेरी ग्रेट सक्सेस एंड गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।